बलिदान मेले में अपनी प्रस्तुति देने आई प्रसिद्ध गायिका अनुराधा पौडवाल ने आयोजन से पूर्व SKS न्यूज से खास बातचीत की। SKS न्यूज के असिस्टेंट एडिटर इन चीफ गोपाल गुप्ता से हुई इस बातचीत के दौरान उन्होंने न सिर्फ बॉलीवुड में संगीत के क्षेत्र में हुए परिवर्तन की बात की बल्कि नारी सशक्तिकरण के मुद्दे पर भी खुलकर चर्चा की। भारतीय सिनेमा परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और इसका प्रभाव संगीत पर भी पड़ा है। पहले के समय में जैसी परिस्थितियां थीं वैसी ही संगीत तैयार किया जाता था और उस पर गीत लिखे जाते थे, गाए जाते थे, पर आज के समय में जो परिस्थितियां हैं या जैसा श्रोता सुनना चाहते हैं वैसे गाने लिखे गए हैं और गाए जा रहे हैं। हमारा बॉलीवुड संगीत आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे से लेकर चिपका ले सैया फेविकॉल तक आ गया है। ये बात विश्व प्रसिद्ध गायिका अनुराधा पौडवाल ने बलिदान मेले के पूर्व बातचीत के दौरान SKS न्यूज से साझा की। SKS न्यूज के असिस्टेंट एडिटर इन चीफ गोपाल गुप्ता से हुई विशेष बातचीत के दौरान उन्होंने महिला सशक्तिकरण और भ्रूण हत्या जैसे मुद्दे पर भी अपने विचार व्यक्त किए। अभी हमारे साथ मौजूद है प्रख्यात भजन गायिका अनुराधा पौडवाल जी, जिन्होंने न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे संसार में अपने गानों से धूम मचाई है। बॉलीवुड में तो इन्होंने तमाम गाने गाए हैं, साथ ही साथ भजनों में भी अपना एक अलग मुकाम हासिल किया है। अनुराधा जी, पहले तो आपका हमारे ग्वालियर शहर में बहुत बहुत स्वागत है। ग्वालियर को तानसेन की नगरी कहा जाता है, संगीत सम्राट तानसेन का नाम इससे जुड़ा हुआ है और आप पहले भी कई बार ग्वालियर आ चुकी हैं, तो सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि ग्वालियर आकर आपको कैसा लगता है? का ड्रीम होता है कि यहाँ पर आके गाए, हर एक का सपना होता है। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, मुझे वैसे भी मध्य प्रदेश बहुत अच्छा लगता है और मेरे बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पे होते रहते हैं और लोग बहुत संस्कृति को मानने वाले हैं, बहुत डाउन टू अर्थ हैं और जो बहुत बड़े शहरों में जो किसी को किसी से बात करने का वक्त नहीं होता ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर बहुत ही लविंग लोग हैं, यहाँ पे मुझे आना बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल अनुराधा जी, पुराने समय में जो गाने आते थे और अब जो नए गाने आ रहे हैं, एक परिवर्तन का दौर चला है, इस परिवर्तन को आप किस तरीके से देखती हैं? ऐसा है कि म्यूजिक जो है ये मौजूदा हालत के का एक विंडो है, तो जिस टाइप का जैसे आपका खाना पीना सब चेंज हुआ है, अभी आप देखेंगे कि पहले कहाँ पे ढाबे वगैरह वहाँ होते थे, कभी कहीं पे, आज के मेक्सिकन है, इटालियन है, स्पैनिश है और पता नहीं क्या क्या है, ग्रीक है, सब टाइप का खाना एक लाइन से मिल जाता है। कपड़ों का रहन सहन, बात करने का तरीका, सब कुछ बदल चुका है और ये मुझे लगता है ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ है, इंटरनेट की वजह से हुआ है कि सारी संस्कृतियाँ मिक्स हो गई, तो इस वजह से म्यूजिक में बहुत ज़्यादा बदलाव है, डेफिनेटली। अनुराधा जी, अभी जब आपसे बातचीत हो रही थी तो आपने बहुत सारे मुद्दों, गायकी से जुड़े हुए कई सारे मुद्दों पर बात की, लेकिन जब लोग आइडल बन जाते हैं, आप जैसी जगह पर पहुंच जाते हैं, तो एक आम आदमी चाहता है कि उनसे हम हर मुद्दे पर बात करें, हर मुद्दे पर उनकी सोच क्या है। एक बहुत ही गंभीर विषय है नारी शक्ति का, नारी सशक्तिकरण का, इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे खुशी है कि आपने इस सब्जेक्ट को मतलब ये विषय को छेड़ा। आजकल नारी शक्ति को लेके जितना बोला जाता है तो मैं थोड़ा सहमत हूँ लेकिन पूरी तरह सहमत इसलिए नहीं हूँ क्योंकि हिंदुस्तानी नारी की सबसे बड़ी शक्ति जो है वो सहन शक्ति, और सहन शक्ति का मतलब अत्याचार सहना नहीं है, है ना। लेकिन आज हम लोग जो देखते हैं कि मतलब मैं मानती हूँ कि किसी भी घर में देखिए, हमारा देश जो है वो स्त्री प्रधान यानी माँ शक्ति की पूजा करने वाला है, और आपने देखा होगा कि अगर माँ दुर्गा जी जो हम नवरात्रि में बिठाते हैं तो उनका फॉर्म क्या है, वो बीच में रहती है, उनके ऊपर शिव जी होते हैं जो पुरुष है, लेकिन मेन वो है, उनके बच्चे होते हैं, हर एक के वाहन अलग अलग होते हैं जो परस्पर विरोधी है, लेकिन जब वो सशक्त रहती है, उनका जब कमांड होता है तो मजा ले कि किसी का एक दूसरे से झगड़ा हो,
तो दैट इज स्त्री शक्ति, मैं उसको मानती हूँ। और इंग्लिश में कहावत है कि द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड, तो ये हर स्त्री को ये ध्यान में रखना चाहिए कि शी मेक्स अ डिफरेंस, और उस पर मतलब उसका उत्तरदायित्व यही है दैट शी गिव्स द राइट वैल्यूज, सही वैल्यूज देने चाहिए। आजकल हम कई सारे जगह में देखते हैं तो कई डिवोर्सेज होते हैं, शादी हुई 3 महीने हुए नहीं, 1 महीना हुआ नहीं कि डिवोर्स, और बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं जहाँ पर जो डिवोर्स में जो लड़की होती है उसकी मदर का बहुत बड़ा हाथ होता है उकसाने में। तो स्त्री शक्ति का मतलब डिस्ट्रक्शन नहीं है, और सहन शक्ति मतलब किस तरह से संभाल लेना, क्योंकि परिवार को संभाल लेना, किस तरह से अदब से रहना, आई कॉल दैट स्त्री शक्ति। मतलब वो चाहे तो क्या नहीं कर सकती। तो इस तरफ है कि मतलब जिनको उतनी शून्यता नहीं होती है तो स्त्री शक्ति के नाम पे वो कुछ भी करते हैं, तो अभी वो डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है, विच आई डोंट एग्री। अनुराधा जी, अगर भारत की बात की जाए तो भारत देश में सेक्स रेशो लिंगानुपात बहुत कम है, पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या कम है, और अगर हम बात करते हैं अपने ग्वालियर चंबल अंचल की तो यहाँ पर पूरे देश में सबसे विकट स्थिति है, और उसका एक कारण है भ्रूण हत्या, लड़की को गर्भ में ही मार देना, गर्भ में ही खत्म कर देना। क्या कहना चाहेंगे आप इस देखिए ये इस वजह से शायद हुआ है क्योंकि लड़की के साथ डाउरी, फिर उसकी शादी, शादी में फिर मांगे रखना, तो जो गरीब परिवार है, जो अनएजुकेटेड लोग हैं, तो उनको ये लगता है कि वो लड़की ना हो तो ही ठीक है, तो इस बारे में उनको एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। तो किसी भी चीज़ में, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, किसी भी चीज़ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है, कि लड़की मतलब स्त्री शक्ति, स्त्री शक्ति और उनको सशक्तिकरण में ऐसा भी हो रहा है कि लोग मतलब औरतें टॉर्चर कर रही, झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो कई मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ पे बेचारे लड़के परेशान हैं, बिल्कुल है ना। तो ऐसा नहीं है कि स्त्री शक्ति पुरुष शक्ति, इट्स बेसिकली इट्स अ समान इन द सेंस कि हर एक को अपनी जिम्मेदारी समझ के बर्ताव करना चाहिए। बिल्कुल, आपसे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आपके शो का भी समय हो रहा है, लेकिन एक अंतिम सवाल, पहले के समय में संगीत साधना हुआ करता था, आज के इस बाजारवाद के युग में संगीत का भी बाजारीकरण हो गया है, ऐसे में जो न्यू कमर्स आ रहे हैं, नए नए सिंगर्स जो आ रहे हैं जिनमें सिंगर बनने की चाहत है, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे उनका मार्ग प्रशस्त करना चाहेंगे? देखिए मैं हर एक को एक ही ब्रैकेट में नहीं लेना चाहूँगी, क्योंकि हम देखते हैं रियलिटी शोज़ में अगर बहुत अच्छा अच्छा गाने वाले, बहुत ही कमाल के गाने वाले भी बच्चे बहुत हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन जनरलाइज मैं कहती हूँ कि एक वक्त ऐसा था जब सिंगिंग सिंगर्स के लिए सुर में गाना और एक्सप्रेशन देखे गाना, ये चीज़ें ज़्यादा मायना रखती थी। आज ज़माना परफॉर्मर्स का है कि आप कितना शोशा या कितना परफॉर्मेंस या कितना ओरिएंटेशन करते हैं उसके ऊपर आपका निर्भर होता है। तो मुझे ये कहना है कि आज के बच्चों को कि ये जो डोर है संगीत की, इसे आपको आगे लेके जाना है, तो यू प्लीज़ बी केयरफुल कि जो मेन संगीत की जो रूह है उसे कहीं ठेस ना पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी हमारे साथ थी प्रख्यात गायिका अनुराधा पौडवाल, जिनसे हमने आज सिंगिंग के अलावा और भी कई सामाजिक मुद्दों पर, नारी सशक्तिकरण विषय पर बात की। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन शैलेश मिश्रा के साथ गोपाल गुप्ता, SKS न्यूज़।